मैं आप सबसे ये बात कहना चाहता हूँ और स्पेशली योगी जी से कहना चाहता हूँ कि योगी जी, वो महिला आई, उसने शिकायत करी आपसे और आपने एक जांच करा दी। अच्छी बात है, होनी चाहिए, पर आज 20-25 दिन होने जा रहे हैं, एक बार भी आपकी पुलिस ने उस अग्निकांड से जुड़े हुए कोई भी पेपर ना ही कोई फोटो अभी तक पब्लिक को दिखाया। योगी जी, मेरा भी परिवार है, छोटा सा परिवार है, योगी जी मैं चाहता हूँ कि आप इसकी जांच करा लीजिए। मेरे भाइयों, आप सब मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं पिछले 6 बार का विधायक हूँ और पिछले कम से कम 25 साल से जो मेरा रिजवी रोड का कार्यालय है, मैं रोज शाम को वहां बैठता हूँ। मैं तो चाहूंगा पुलिस कमिश्नर साहब आपसे भी, उसी दिन की बात है, दोपहर में हमारी आपकी सिखों के प्रोग्राम में हमारी आपकी मुलाकात हुई, मैंने आपसे यहाँ तक भी कहा था कि उसकी जांच करा लीजिए। आज इतने दिन हो गए, एक भी कोई फोटो, कोई लोकेशन, कोई ऐसी चीज आपके सामने आई जिससे ये साबित हो सके कि मैंने आग लगाई। मैं हमारे क्षेत्र की जनता से और खास तौर से कानपुर की जनता से कहना चाहूंगा कि हमारा आपका बहुत पुराना साथ है। क्या आपको ऐसा लगता है कि आपका क्षेत्र का विधायक इतना गंदा काम कर सकता है कि किसी के मकान में आग लगा देगा? योगी जी, इसकी आप CBI जांच करा लीजिए और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए ताकि इसमें हकीकत सामने आ सके। अगर मैं दोषी हूं तो कानून है, अगर नहीं है तो मेहरबानी करिए योगी जी, क्योंकि आपकी निगाहें और आपकी तरफ हर आदमी देख रहा है कि आप न्याय करेंगे। मैं हमारे पुलिस कमिश्नर साहब से और तमाम लोगों से जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनसे अपील करता हूं कि आप सब आइए और इसकी जांच होनी चाहिए ताकि न्याय उसको मिल सके या न्याय मुझे मिल सके, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो चुका हूं। मैं आप सबसे हाथ जोड़ के अपील करता हूं और एक बात और कहता हूं कि मैं आपसे आपकी दुआओं में अपने लिए जीना चाहता हूं। मेरे परिवार का ख्याल रखिएगा, मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, मेरी मम्मी, मेरे भाई लोग, उनका ख्याल रखिएगा। मैं आप सबसे दुआ की दरखास्त करता हूं। सबको मेरा नमस्ते, सबको मेरा सलाम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।